गाइस आप सभी को भी कभी ना कभी इस वाली प्रॉब्लम को जरूर फेस आउट करना पड़ा होगा अपने आईफोन डिवाइस में कि यहाँ पे जो आपके नेटवर्क्स होते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आता है नो सर्विस। जी हाँ दोस्तों, आपकी यहाँ पे सिम भी अवेलेबल होती है आईफोन डिवाइस में, बट गाइस यहाँ पे नेटवर्क जो है बिल्कुल ही हाइड हो जाते हैं या फिर गाइस यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि आपकी नो सर्विस। एंड यहाँ पे आपको कई बार जो है बिल्कुल ही गाइस यहाँ पे सिम जो है बिल्कुल ही हाइड हो जाती है, आपके सारे के सारे नेटवर्क चले जाते हैं, फिर चाहे हैं गाइस आप कोई भी आईफोन यूज़ कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस यदि आपको भी ये वाली प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ती है अपने आईफोन डिवाइस में, यहाँ पे गाइस आता है लिखा हुआ नो सर्विस, यहाँ पे सारे के सारे जो है नेटवर्क्स चले जाते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पे वीडियो कर लेते हैं शुरू में, गाइस बता देते हैं छोटी सी वीडियो में कि गाइस कैसे आप ये वाली प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से फिक्स आउट कर सकते हैं। बाय चांस गाइस कहीं भी ना कभी आपको यहाँ पे गाइस यहाँ पे कॉल करना होता है या फिर गाइस मैसेज करना होता है, ऐसे में गाइस आपके जो नेटवर्क होते हैं वो गाइस यहाँ पे बिल्कुल ही चले जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आता है नो सर्विस और गाइस यहाँ पे जो है ये एरर देखने को मिल जाती है। तो चलो गाइस यहाँ पे वीडियो को कर लेते हैं शुरू। उससे पहले गाइस आप सभी छोटा सा काम जरूर कर सकते हैं, चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ गाइस आईफोन से रिलेटेड ही वीडियोस लेकर आता हूं आप सभी के लिए। चलो गाइस यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप सभी को क्या करना है, जब कभी भी गाइस यहां पे आपको लिखा हुआ है नो सर्विस या फिर नेटवर्क जो है बिल्कुल ही हाइड हो जाते हैं चले जाते हैं, तो ऐसे में गाइस आप सभी सबसे पहले क्या करें, सेटिंग्स पे चले जाएं। गाइस जो मैं आपको सेटिंग्स बता रहा हूं ये गाइस आप किसी भी आईफोन में अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके पास चाहे आईफोन 5S से लेकर XR कोई भी मॉडल है, आप गाइस यहाँ पे जस्ट सेटिंग को फॉलो करें जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको इस क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग्स पे क्लिक कर दे, ठीक है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सभी को क्या करना है, जैसे जैसे गाइस मैं आपको बताऊंगा सेम टू सेम आपको वही फॉलो करते जाना है, एंड उसके बाद दोस्तों इजी टू ईजी जो है आप ये वाली प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले गाइस सेटिंग्स पे जाने के बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आप चले जाएँ, एंड सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आएगा सेलुलर डेटा या फिर कहीं सेलुलर डेटा है या फिर में गाइस आप सभी को यहाँ पे सेलुलर देखने को मिलेगा, यहाँ पे टैप ऑन करें। टैप ऑन करने के बाद यहाँ पे सेलुलर डेटा आएगा, तो इसको गाइस सबसे पहले ऑन कर दे, और साथ में यहाँ पे आपको नीचे जाएंगे तो आपको लिखा हुआ सेलुलर डेटा ऑप्शन, तो यहाँ पे गाइस रोमिंग को भी आप ऑन कर दे, ठीक है। तो गाइस ये आपको पहला स्टेप ये करना है अगर आपको ये जो है देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैक कर दे, बैक करने के बाद दोस्तों आप सभी को क्या करना है, नॉर्मली गाइस आपको चेक करना है कि आपको जो है यहाँ पे फिक्स होती है प्रॉब्लम या फिर नहीं होती तो गाइस आप दोबारा से एक बार जो है पैनल को ऑन करें। यहाँ पे गाइस आप सभी को क्या करना है, एक बार जस्ट गाइस यहाँ पे फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ कर दे जस्ट गाइस 5 सेकंड के लिए, और गाइस 5 सेकंड वेट करने के बाद दोबारा से आपको फ्लाइट मोड को ऑफ कर देना है। गाइस यहाँ पे आपको जो दोबारा से सारा कुछ यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है। ये गाइस दूसरा स्टेप है, और अब मैं आपको यहाँ पे तीसरा बताता हूँ। तीसरे के लिए गाइस आपको क्या करना है, सेटिंग्स को ओपन कर ले, ठीक है। गाइस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सेटिंग्स पे जाएं, सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेलुलर पे जाएं अगेन, और यहाँ पे गाइस आएगा सेलुलर डेटा ऑप्शन, और यहाँ पे गाइस आएगा वॉइस एंड डेटा। वॉइस एंड डेटा पे जाके गाइस इसको जो है LTE जाके ये गाइस और जो है ऑफ होता है, इसको गाइस LTE पे जाके गाइस इसको जो है सेट कर देना आपको, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैक कर दे। बैक करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बताता हूँ। अब गाइस आपको क्या करना है, एक बार गाइस अगर आपको देख लेना जो भी गाइस मैंने आपको सेटिंग बताई ये गाइस डन करने के बाद यदि प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाती है, ठीक है। गाइस नहीं होती तो आप क्या करें, नॉर्मली गाइस अपने डिवाइस को एक बार जो है शट डाउन करके रीस्टार्ट करें, ठीक है। रीस्टार्ट करने से गाइस यहाँ पे आपकी जो क्लियर रैम वगैरह हो जाती है, इसमें गाइस आपका जो है ये इजी टू इजी गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम जो है फिक्स आउट हो जाएगा। यदि गाइस फिर भी नहीं होता तो आप क्या करें, फिर से गाइस सेटिंग्स पे जाएं। सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों आपके सामने गाइस यहाँ पे आता है एक जनरल, तो जनरल पे चले जाएं गाइस यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ। जनरल पे जाने के बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने गाइस यहाँ पे आएगा ट्रांसफर और रीसेट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको मैं देखते गाइस यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफर एंड रीसेट पे जाएंगे, तो ये देखते गाइस यहाँ पे आपको आएगा सेटिंग्स के अंदर, टैप ऑन करें, यहाँ पे आएगा रीसेट। रीसेट पे जाएंगे गाइस यहाँ पे आएगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको नेटवर्क सेटिंग्स पे जाना है और आपको गाइस यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद दोस्तों आएगा यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग। जैसे ही गाइस आप रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर देंगे तो गाइस आपका जो है नेटवर्क सेटिंग जो है रीसेट हो जाएगी, दोबारा से गाइस आपके जो यहाँ पे अच्छे सिग्नल आने शुरू हो जाएगी, गाइस यहाँ पे जो नो सर्विस प्रॉब्लम थी वो फिक्स आउट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर गाइस मैंने आपको जितने भी स्टेप बताए हैं ये गाइस बहुत ही यूजफुल है, यदि आपको नो सर्विस वाली प्रॉब्लम आती है अपने आईफोन डिवाइस में, किसी भी आईफोन में गाइस ये अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल ही है, मैंने आपको बता दिया है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो गाइस आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।